गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास टीवाई बी कॉम सेमिस्टर फिफ्थ, सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग, टॉपिक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंगचा आज आपण 11 नंबरचा प्रॉब्लेम पाहत आहोत। हा प्रॉब्लेम पुणे विद्यापीठाच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये आलेला आहे एप्रिल 2022 च्या। तो प्रॉब्लेम आणि त्याचं सोल्युशन आपण पाहणार आहोत। अनेक विद्यार्थ्यांची डिमांड होती की जे महाराष्ट्रीयन स्टुडंट आहेत त्यांना मराठी लँग्वेज समजते, परंतु नॉन महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांना समजत नाही। म्हणून मी हा व्हिडिओ दोन्ही भाषेमधून रेकॉर्ड करत आहे। एक्सप्लेनेशन देताना हिंदी आणि मराठी दोन्ही भाषेमधून देणार आहे। सो क्लास TYBCOM सब्जेक्ट ऍडव्हान्स अकाउंटिंग, इस सब्जेक्ट का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का 11 नंबर का प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन आज हम देखेंगे। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम हुई है अप्रैल 2022 की, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट प्रॉब्लम, ऑन 1 जनवरी 2019 ITC फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बॉट ₹4,000 6% गवर्नमेंट बॉन्ड एट 90, द चेक ऑफ ₹3,680 पेड बीइंग ₹3,600 फॉर द सिक्युरिटीज अँड ₹80 फॉर द ब्रोकरेज चार्जेस। 1 जानेवारी 2019 ला ITC फायनान्स कंपनीने 4,006% गव्हर्नमेंट बॉन्ड खरेदी केले। 4,000 रुपयांचे 6% गव्हर्नमेंट बॉन्ड खरेदी केले। कसे खरेदी केले तर 90 रुपीजला, ₹90, आणि त्यासाठी जो चेक दिला तो 3,680 चा दिला। त्यापैकी 3,600 रुपीज हे सिक्युरिटीसाठी होते, म्हणजे बॉन्डसाठी, आणि 80 रुपीज त्यांनी ब्रोकरेज म्हणून दिले, दलाली म्हणून दिलेली आहे। 1 जानेवारी 2019 ITC कंपनी फाइनेंस कंपनी ने 4,000 रुपीज के 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 4,000 रुपीज के 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस किए, जिनकी वैल्यू थी एट ₹90, मीन्स 10% डिस्काउंट। उन्होंने वो 10% डिस्काउंट पे परचेस किए, और उसके लिए जो चेक इशू किया है वो है 3,680 का। उसमें से 3,600 रुपीज जो है वो सिक्योरिटी के लिए है, मतलब बॉन्ड के लिए है, और 80 रुपीज के ब्रोकरेज चार्जेस पेड किए हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल ईच ईयर ऑन 30 जून एंड 31 डिसेंबर। सिक्युरिटी साठीचं जे व्याज आहे ते कधी मिळणार आहे, 30 जून आणि 31 डिसेंबरला। इंटरेस्ट जो है वो 30 जून एंड 31 डिसेंबर को मिलेगा। ऑन 1 फेब्रुवारी 2019 1,000 नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज सोल्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ है, तो 1 फेब्रुवरी को। तो उसके पहले हम जो 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन है उसका कैलकुलेशन करेंगे। 1 जनवरी के ट्रांजेक्शन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6% के हिसाब से, म्हणजे 6% आपल्याला इंटरेस्ट कैलकुलेट करायचा आहे 1 जानेवारीला। तर त्यासाठी जी तारीख विचारात घ्यायची आहे ती आहे 30 जून आणि 31 डिसेंबर। तर यापैकी 31 डिसेंबर जानेवारीच्या आधी येतो, म्हणून 31 डिसेंबर पासून 1 जानेवारीपर्यंत महिने काउंट करायचे। तर 31 डिसेंबरचा पुढचाच दिवस जानेवारी येतो, म्हणजे 0। मग 0 येत असेल तर इंटरेस्ट काही मिळणार नाही, म्हणजे इंटरेस्ट काय येईल, 0 येईल। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम डेट देखेंगे। डेट कौन सी है रिसीवेबल की, 30 जून एंड 31 डिसेंबर। तो 1 जानेवरी के पहले 31 डिसेंबर आता है, लेकिन 31 डिसेंबर के नेक्स्ट डे 1 जानेवरी है, इसीलिए इनके बीच में कोई भी मंथ नहीं आते हैं, मतलब मंथ जो है वो 0 आएंगे। सो इंटरेस्ट इज 0। तो फर्स्ट कैलकुलेशन अभी हम देखेंगे। फर्स्ट वर्किंग नोट, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 डिसेंबर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 1 जानेवारी 2019 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ओपनिंग बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस के अलावा हम उसमें परचेसेस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस चाहे वे जे आपण परचेसेस लिहूया, कारण की परचेसेसवरच इंटरेस्ट आहे, म्हणून इंटरेस्ट ऑन परचेसेस बॉट म्हटलंय म्हणजे परचेसेस आहे। कॅल्क्युलेशन फॉर्म्युला लिहा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ अपॉन 12। हम फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ अपॉन 12। साल में 12 महीने होते हैं और उसमें से जितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उतने महीने हम लिखेंगे। सो फेस वैल्यू 4000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% लिखिए या फिर 6/100 लिखेंगे तो भी चलेगा। एंड मंथ 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक कोई भी मंथ नहीं आते, इसीलिए जीरो। और हमें सबको रूल मालूम है, आपल्याला सर्वांना नियम माहिती आहे की शून्याने कुठल्याही संख्येला गुणला अथवा भागला असता उत्तर शून्य येतं। इफ वी आर डिवाइडेड बाय झिरो टू एनी अमाउंट देन आन्सर इज झिरो। सो इंटरेस्ट इज झिरो। अँड कॉस्ट प्राईस गिवन इन प्रॉब्लेम, कॉस्ट प्राईस प्रॉब्लेम में दी हुई है वो है 3680। सो कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए 3680। फर्स्ट कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ है। देन नेक्स्ट कैलकुलेशन, नेक्स्ट मंथ का ट्रांजेक्शन क्या है? ऑन 1 फरवरी 2019 1000 नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज सोल्ड। 1000 नॉमिनल वैल्यू ची सिक्युरिटी सोल्ड केलेली आहे। कशी सोल्ड केली आहे? तर नेट प्रोसेस आहे 950 आणि कम इंटरेस्ट आहे। 1 फरवरी 2019 को 1000 रुपीज की सिक्योरिटी सोल्ड की है कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मीन्स उस जो 950 रुपीज है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस का निकालने के लिए। तो सेकंड ट्रांजेक्शन का कैलकुलेशन करेंगे हम 1 फरवरी का। सेकंड कैलकुलेशन डेट डाल दीजिए 1 फरवरी। सेकंड कैलकुलेशन ये फर्स्ट हुआ है, सेकंड सेकंड कैलकुलेशन 1 फरवरी 2019 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑन सेल्स। इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू 1000 इंटू इंटरेस्ट रेट 6/100 इंटू मंथ्स। 31 दिसंबर से लेकर 1 फरवरी तक कितने महीने होते हैं? ओनली 1 मंथ। सो 1/12 कैलकुलेशन करा। कैलकुलेशन करून आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट इज रुपीज 5, ओनली 5 रुपीज। देन सेकंड कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस और कैपिटलाइज वैल्यू। नेट प्रोसीडिंग हमें दी है प्रॉब्लम में, वो है 950। प्रॉब्लम में मेंशन की है नेट प्रोसीडिंग 950 एंड कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है। सो 5 रुपीज का इंटरेस्ट जो है हमें उसमें से माइनस करना है। नेट प्रोसीडिंग 950 लेस कम इंटरेस्ट 5, सो कैपिटलाइज वैल्यू 945। 950 मधून 5 रुपये इंटरेस्ट वजा केलं, कॅपिटलाइज व्हॅल्यू आली 945। नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन 1 फेब्रुवारीच्या नंतर 1 जूनला ट्रान्झॅक्शन घडलेले आहे। 1 जूनला 2000 रुपीज ची सिक्युरिटी सोल्ड केली ई एक्स इंटरेस्ट, म्हणजे इंटरेस्ट इन्क्लूड नाहीये, आणि नेट प्रोसिडिंग आहे आफ्टर ब्रोकरेज 1710। 1 जून को 2000 रुपीज की सिक्युरिटीज सोल्ड की है और ई एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है, मतलब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। एंड आफ्टर ब्रोकरेज सिक्योरिटी की जो कॉस्ट प्राइस है वो दी हुई है 1710। तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बाकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो दी हुई है। तो 1 जून का ट्रांजेक्शन लेंगे। थर्ड कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट डेट डाल दीजिए 1 जून 2019। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑन सेल। इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू मंथ कैलकुलेट कीजिए। 31 दिसंबर से लेकर 1 जून तक 5th मंथ होते, 5 मंथ्स, तो 5/12। 31 दिसंबर पासून 1 जून पर्यंत 5 महीने होतात, म्हणून 5/12। आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट इज रुपीज 50। कैलकुलेशन करने के बाद इंटरेस्ट आया है रुपीज 50 एंड कॉस्ट प्राइस गिवन इन द प्रॉब्लम इज रुपीज 1710।
कॉस्ट प्राइस दी हुई है प्रॉब्लम में 1710 रुपये, 1710 रुपीज। देन नेक्स्ट कैलकुलेशन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम में देखिए कब हुआ है, पुढचं ट्रांजेक्शन केव्हा झालं पहा। पुढचं ट्रांजेक्शन झालेलं आहे 1 फेब्रुवारी 2020 ला, म्हणजे हे वर्ष संपलंय, कारण वर्ष कधी सुरू झालं, जानेवारीला। हा प्रॉब्लेम असा आहे की यामध्ये 2 वर्षाचं कॅल्क्युलेशन आहे, 2019 आणि 2020, त्यामुळे आपल्याला हे इयर क्लोज करावे लागेल अगोदर। ये जो साल है वो शुरू हुआ है 1 जानेवारी को, इस प्रॉब्लम में 2 ईयर का कैलकुलेशन करना है हमें, 2 ईयर्स का। तो फर्स्ट ईयर हमें 2019 का जो है वो 31 दिसंबर को क्लोज करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर 2020 का शुरू करेंगे। तो 1 जून के बाद 2019 में कौन सा ही ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, तो इसीलिए हमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो करने से पहले 31 दिसंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके पहले 30 जून को भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सो इंटरेस्ट 2 टाइम कैलकुलेट होगा, एक 30 जून को और दूसरा 31 दिसंबर को। एकदा इंटरेस्ट 30 जून ला कैलकुलेट करायचं आहे आणि दुसऱ्यांदा 31 डिसेंबर ला। मग कैलकुलेशन घ्या इंटरेस्टचं। आता इंटरेस्ट कितीवर काढायचं, इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे निकालेंगे, मग कॅल्क्युलेशन घ्या इंटरेस्ट रिसिव्हचं। इंटरेस्ट रिसिव्ह कितीवर काढणार आपण, तर सुरुवातीला खरेदी होती 4000 ची, त्यानंतर त्यातून 1000 सोल्ड केले, 2000 सोल्ड केले, म्हणजे एकूण सेल्स आहेत 3000 रुपीजचे। तर मग 4000 3000 गेले, म्हणजे बॅलन्स किती शिल्लक राहील, 1000। 1000 इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचंय। 4000 रुपीज की सिक्युरिटी थी, खरेदी परचेस की हुई, उसमें से हम दो सेल्स है 1000 एंड 2000, टोटल सेल्स 3000 माइनस करेंगे तो बैलेंस रहेगा 1000। 1000 के बैलेंस पे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन, सॉरी, 1000 के बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 30 जून एंड 31 दिसंबर को। नेक्स्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड, फोर्थ कैलकुलेशन, डेट डाल दीजिए 30 जून 2019, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव 30 जून 2019 ला इंटरेस्ट रिसीव कैलकुलेट करा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 × 6/100 × 6/12। 6 कुठून आले, तर 31 डिसेंबर पासून 30 जून पर्यंत, 31 डिसेंबर से लेके 30 जून तक का 6 महिन्यांचा का पीरियड होता है, तो सो 6/12 कॅल्क्युलेट करून इंटरेस्ट आलेला आहे ₹30। आफ्टर कॅल्क्युलेशन इंटरेस्ट इज ₹30। देन नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन 31 डिसेंबर को करना है, क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो 1 फेब्रुवारी 2020 को हुआ है। तो ये ईयर हमें कब क्लोज करना है, 31 डिसेंबर को। हे वर्ष आपल्याला 31 डिसेंबर ला क्लोज करायचे, म्हणून पुन्हा एकदा कॅल्क्युलेशन करायचे इंटरेस्ट रिसिव्हचं। 31 डिसेंबर 2019, कॅल्क्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसिव्ह, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 × 6/100 × 6/12। आता 30 जून पासून 31 डिसेंबर पर्यंत 6 महिने होतात, 30 जून से लेकर 31 डिसेंबर तक 6 मंथ होते हैं, तो इसीलिए 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, वो सेम आया है एज पर 30 जून ट्रांजेक्शन। 30 जून च्या ट्रांजेक्शन प्रमाणेच इंटरेस्ट आलेला आहे ₹30। नेक्स्ट कैलकुलेशन, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करायचा आहे। अगला कैलकुलेशन क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग बैलेंस के लिए हमें एक चार्ट बनाना है, पर्टिकुलर फेस वैल्यू एंड कैपिटलाइज वैल्यू। सो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस इज फर्स्ट परचेसेस ₹4000 एंड कॉस्ट प्राइस 3680। 4000 रुपयाची फेस वैल्यू आहे आणि त्याची कॉस्ट प्राइस आहे 3680। तर 4000 आपण जेवढे सेल्स आहे तेवढे मायनस करणार, मग 1000 बॅलन्स राहिला। मग इक्वेशन मांडणार आहे, पहिली परचेस जो थी वो 4000 की थी और उसकी कॉस्ट प्राइस 3680 थी, उसके उसमें से हम 3000 के सेल्स माइनस करके 1000 का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए एक इक्वेशन फॉर्म करना है, ओपनिंग बैलेंस 4000 माइनस टोटल सेल्स 3000 इज इक्वल टू बैलेंस 1000। इक्वेशन इक्वेशन 4000
is equal to 3600, then 1000 is equal to question mark. 1000 into 3600, 3680 upon 4000. कैलकुलेशन करा. 1000 × 3680 छेद 4000 कैलकुलेशन करून उत्तर आले 920. आफ्टर कैलकुलेशन आंसर इज 920. सो क्लोजिंग बैलेंस कॉस्ट प्राइस इज 920 एंड फेस वैल्यू 1000. नेक्स्ट कैलकुलेशन. 1 फेब्रुवरी, 1 फेब्रुवरी 2020, 5000 नॉमिनल वैल्यू सिक्योरिटी बॉट कम इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग ब्रोकरेज बीइंग 4370. 1 जनवरी 2020 को 5000 रुपीस की सिक्योरिटी परचेस की कम इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट मीन्स ये जो कॉस्ट प्राइस दी हुई है 4370, उसमें से हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो माइनस करेंगे. 1 फेब्रुवारी 2020 ला 5000 सिक्युरिटी खरेदी केली आहे कम इंटरेस्ट ने, आणि त्यासाठीची जी कॉस्ट प्राइस आहे ती आहे 4370. त्यातून आपण कम इंटरेस्ट वजा करणार आहे. मग नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन घ्या 1 फेब्रुवारी 2020 च. 1 फेब्रुवारी 2020 कॅल्क्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट अँड कॉस्ट प्राइस ऑन परचेसेस. इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू मंथ कॅल्क्युलेट करायचे. मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लास्ट इंटरेस्ट हमने कब कैलकुलेट किया था, 31 दिसंबर 2019 को. सो 31 दिसंबर 2019 से लेकर 1 फेब्रुवरी तक कितने मंथ होते हैं, 1 मंथ. 31 दिसंबर पासून 1 फेब्रुवरी पर्यंत 1 महीना होतो, म्हणून 1/12. आफ्टर कैलक्युलेशन इंटरेस्ट इज 25. कैलक्युलेशन करून इंटरेस्ट आलेला आहे 25. आता कॉस्ट प्राइस कैलक्युलेट करायची. आफ्टर कैलक्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैलक्युलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस नेट वैल्यू 4370 लेस कम इंटरेस्ट 25. कैपिटलाइज वैल्यू और कॉस्ट प्राइस इज 4345. कैपिटलाइज वैल्यू आलेली आहे 4345. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. ऑन 1 जून 2020 1000 नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्युरिटी बॉट एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग ब्रोकरेज 910. 1 जून 2020 को 1000 की सिक्योरिटी परचेस की, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है और कॉस्ट प्राइस है 910. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड देन कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस गिवन 910. नेक्स्ट वर्किंग नोट. 1 जून 2020 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑन परचेसेस. इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 इंटू 6/100 इंटू 5/12. 5 कैसे आए हैं, तो 31 दिसंबर से लेकर 1 जून तक 5th मंथ होते हैं. 31 दिसंबर पासून 1 जून पर्यंत 5 महीने होतात, म्हणून 5/12. आफ्टर कैलक्युलेशन इंटरेस्ट इज रुपीज 25 एंड नेट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस इज गिवन इन प्रॉब्लम इज 910. प्रॉब्लम 910. सो कॉस्ट प्राइस इज 910. 1 जून 2020 चं जे ट्रांजेक्शन आहे हे लास्ट ट्रांजेक्शन होतं, त्यामुळे आता पुढचं जे कॅल्क्युलेशन आहे ते आपल्याला 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत करायचंय. म्हणून 30 जूनला आपण इंटरेस्ट रिसिव्ह काढणार आणि 31 डिसेंबरला आपण इंटरेस्ट रिसिव्ह काढणार. मग किती अमाऊंटवर रिसिव्ह काढायचं, तर आपला मागचा जो बॅलन्स होता 2019चा तो 1000 होता. त्यानंतर 5000 खरेदी आहे म्हणजे 6000 आणि पुन्हा 1000 खरेदी म्हणजे 7000. 7000 रुपयांवर आपण 6-6 महिन्याचं इंटरेस्ट आउट कॅल्क्युलेट करणारे इंटरेस्ट रिसिव्ह. आफ्टर 1 जून 2020 देर इज नो ट्रान्झॅक्शन. 1 जून 2020 दिस इज लास्ट ट्रान्झॅक्शन. सो इसके बाद कोई भी ट्रान्झॅक्शन नाही आहे 1 जून के बाद. तो इसीलिए हम जो बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 30 जून को और 31 दिसंबर को.
तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? तो 2019 का बैलेंस था 1000, जिसके हमने कैलकुलेशन किए और उसमें ऐड करेंगे 5000 की परचेस है तो वो ऐड होगी, तो हुए 6000। देन 1000 की परचेस है वो ऐड करेंगे, बैलेंस आया 7000। तो 7000 अमाउंट पे हम 6-6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव। 30 जून 2020, 30 जून 2020 ला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। 6 महीने व्याज काढायचे, इंटरेस्ट इज 210। आफ्टर 31 डिसेंबर 2020 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड। 31 डिसेंबर 2020 ला पण इंटरेस्ट रिसीव कैलकुलेट करायचे। 31 डिसेंबर 2020 को इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ का। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट इज 210। इंटरेस्टचं कैलकुलेशन झाल्यानंतर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करायचा आहे। क्लोजिंग बैलेंस का कैलकुलेशन करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस का कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला लिखिए, पर्टिकुलर फेस वैल्यू एंड कैपिटलाइज वैल्यू। ओपनिंग बैलेंस 1000 एंड कॉस्ट प्राइस 920। ओपनिंग बैलेंस आपल्याकडे होता 1000 रुपये, जो 1900 होता, आणि त्याची कॉस्ट प्राइस होती 920 रुपये। उसमें हम ऐड करेंगे परचेसेस, फेस वैल्यू 5000 एंड कॉस्ट प्राइस 4345। नेक्स्ट परचेसेस 1000 एंड कॉस्ट प्राइस 910। इन सब की एडिशन करेंगे, इनची बेरीज करायची। फेस वैल्यू आली 7000 आणि कॉस्ट प्राइस आली 6175। फेस वैल्यू 7000 एंड कॉस्ट प्राइस 6175। कैलकुलेशन झाल्यानंतर आता स्टेटमेंट तयार करायचे। आफ्टर कैलकुलेशन वी आर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। ऊपर नाम दीजिए, इन द बुक्स ऑफ आईटीसी कंपनी 6% गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन 30 जून एंड 31 डिसेंबर। कॉलम कीजिए डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस। देन डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस। डेबिट साइड जो है, तो डेबिट साइड को हम सब परचेसेस लिखेंगे, क्रेडिट साइड को सेल्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो फर्स्ट कैलकुलेशन देखिए, 1 जनवरी 2019 को परचेसेस का ट्रांजेक्शन था, इंटरेस्ट 0 आया था, फेस वैल्यू थी 4000 एंड कॉस्ट प्राइस 3680। फेस वैल्यू 4000 होती आणि कॉस्ट प्राइस 3680 खरेदी होती, म्हणून बँकेचं ट्रांजेक्शन येईल। मग डेबिट साइडला घ्या, डेबिट साइड को लिखिए 1 जनवरी टू बँक अकाउंट। ना 2019 हमने डेट के कॉलम में लिख दिया है, 2019 आपण डेटच्या कॉलम मध्ये लिहिले, फक्त महिना आणि तारीख टाकायची। 1 जानेवारी टू बँक अकाउंट, फेस वैल्यू के कॉलम में लिखिए 4000 एंड इंटरेस्ट के कॉलम में लिखिए डैश, कॉस्ट प्राइस के कॉलम में 3680। नेक्स्ट कैलकुलेशन 1 फरवरी को है, सेल्स है 1000 के, इंटरेस्ट है 5 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस 9945। तो क्रेडिट साइड को लिखिए, क्रेडिट साइड ला लिहा 1 फरवरी बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू मध्ये 1000, इंटरेस्ट मध्ये 5 आणि कॉस्ट प्राइस मध्ये 945। क्रेडिट साइड को लिखिए 1 फरवरी बाय बैंक अकाउंट, कॉस्ट प्राइस सॉरी फेस वैल्यू 1000, इंटरेस्ट के कॉलम में ₹5 एंड कॉस्ट प्राइस 945। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट कैलकुलेशन यहां तक हुआ है। नेक्स्ट कैलकुलेशन 1 जून को है, सेल है, तो सेल्स हम क्रेडिट साइड को लिखते हैं। क्रेडिट साइड को 2000 फेस वैल्यू, इंटरेस्ट 50 एंड कॉस्ट प्राइस 1710। और उसके बाद दो ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट रिसीव के है,
30-30 रुपीज के, वो भी हम क्रेडिट साइड को ही लिखेंगे, 30 जून और 31 दिसंबर, 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो क्रेडिट साइड को लिखिए, 1 जून बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू के कॉलम में 2000, इंटरेस्ट के कॉलम में 50 एंड कॉस्ट प्राइस में 1710। देन 30 जून, 30 जून को बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट के कॉलम में 30 एंड 31 दिसंबर को बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट के कॉलम में 30। 30 जून ला इंटरेस्ट रिसीव दाखवतोय आपण, फक्त इंटरेस्टच्या कॉलमला 30 रुपये, आणि 31 डिसेंबरला पण इंटरेस्ट रिसीव फक्त इंटरेस्टच्या कॉलमला 30 रुपये। अभी ये जो ईयर है वो कंप्लीट हुआ है, तो कंप्लीट हुआ है उसका जो बैलेंस है वो हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट में। ये जो बैलेंस है वो है 1000, कॉस्ट प्राइस 920। तो वो बैलेंस पहले लिखेंगे और उसके बाद उसकी बैलेंसिंग फिगर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाएंगे। तो बैलेंस लिखिए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फेस वैल्यू के कॉलम में 1000, कॉस्ट प्राइस के कॉलम में 920। बैलेंस अपन अगोदर लिहिणार, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1000 रुपये फेस वैल्यू मध्ये आणि कॉस्ट प्राइस मध्ये 920। त्यानंतर हे जे इयर आहे 2019 चं, हे क्लोज करायचे, अकाउंट क्लोज करा, टोटल करा, फेस वैल्यूचा जो कॉलम आहे तो टॅली झाला पाहिजे। त्यानंतर इंटरेस्टचा जो कॉलम आहे त्याची क्रेडिट साइड मोठी येईल, आणि कॉस्ट प्राइसची डेबिट किंवा क्रेडिट कोणतीही मोठी येऊ शकते। तर ह्या प्रॉब्लेम मध्ये कॉस्ट प्राइसची डेबिट साइड मोठी आलेली, जे 2019 वर्ष आपण क्लोज करतोय तर त्याला डेबिट मोठी आलेली आहे। तर आपण बॅलन्स जो येईल तो प्रॉफिट अँड लॉस ला टाकणार आहे। कॉस्ट प्राइसचा जो बॅलन्स आहे तो आलेला आहे 105 रुपये, 31 डिसेंबरला बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 105। आणि इंटरेस्टचा जो बॅलन्स आहे तो पण आपण प्रॉफिट अँड लॉस ला टाकणार आहे, तो आलेला आहे टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 31 डिसेंबरला 115 रुपये। याप्रमाणे आपण जे 2019 वर्ष होतं ते क्लोज केलेलं आहे, आणि हा जो बॅलन्स आहे क्लोजिंगचा तो आपण पुढच्या वर्षी ब्रॉड डाऊन करणार आहे। फर्स्ट हम 2019 का जो ईयर है वो क्लोज करेंगे, एंड फेस वैल्यू का जो कॉलम है वो टैली होना चाहिए, इंटरेस्ट का जो कॉलम है उसकी क्रेडिट साइड जो है उसकी फिगर ज्यादा आएगी, और बैलेंस डेबिट साइड को आएगा। कॉस्ट प्राइस की जो है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कौन से भी साइड वो बड़ी आ सकती है। तो फेस वैल्यू का जो कॉलम है वो 4000 को टैली हुआ, और इंटरेस्ट का जो कॉलम है उसकी टोटल आई है 115। बैलेंस 31 डिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कीजिए, 31 डिसंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट के कॉलम में 115। देन कॉस्ट प्राइस का जो कॉलम है उसकी डेबिट साइड जो है वो बड़ी आई है, कॉस्ट प्राइस का कॉलम, कॉस्ट प्राइस की कॉलम की जो टोटल है वो है 3680 एंड बैलेंस आया है 105, वो भी 31 डिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 105। नेक्स्ट ईयर को 1 जनवरी बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इन फेस वैल्यू 1000 एंड कॉस्ट प्राइस 920। नेक्स्ट कैलकुलेशन, क्लोजिंग बैलेंस तक हम आए थे। नेक्स्ट कैलकुलेशन, 1 फरवरी 2020, इंटरेस्ट आया है 25 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस है 4345, फेस वैल्यू 5000, 5000 रुपये फेस वैल्यू आहे, इंटरेस्ट 25 आहे आणि कॉस्ट प्राइस आहे 4345। तर सेल्स परचेसेस असल्यामुळे डेबिट साइडला घ्या, डेबिट साइडला, डेबिट साइड को लिखिए, 1 फेब्रुवारी टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट फेस वैल्यू के कॉलम में ₹5000, देन इंटरेस्ट के कॉलम में ₹25 एंड कॉस्ट प्राइस के कॉलम में 4345। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेल परचेस का ही है, 1 जून फेस वैल्यू 1000, इंटरेस्ट 25 एंड कॉस्ट प्राइस
कॉस्ट प्राइस 910। डेबिट साइड को लिखिए, फर्स्ट जून तो बैंक अकाउंट फेस वैल्यू 1000, इंटरेस्ट 25, कॉस्ट प्राइस 910। उसके बाद दो इंटरेस्ट रिसीव के ट्रांजेक्शन है वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट 210 एंड 210, 30 जून एंड 31 दिसंबर को, वो भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंड लास्ट को बैलेंस लिखेंगे 7000 फेस वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस 6175। थर्टी जून को बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट के कॉलम में 210, 31 दिसंबर को बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट के कॉलम में 210, 30 जून आणि 31 डिसेंबरला इंटरेस्ट रिसीव आहे ते आपण क्रेडिट साइडला दाखवणार आहोत, बाय बँक अकाउंट 210, बाय बँक अकाउंट 210। आणि लास्टला बाय बॅलन्स कॅरी डाऊन करा, फेस व्हॅल्यू 7000 आणि कॉस्ट प्राइस 6175। लास्ट को हम बॅलन्स कॅरी डाऊन करेंगे, फेस व्हॅल्यू 7000 अँड कॉस्ट प्राइस 6175। त्यानंतर अकाउंट क्लोज करायचे, उसके बाद हम अकाउंट क्लोज करेंगे, फेस वैल्यू का जो कॉलम है वो टैली होना चाहिए, फेस वैल्यू चा कॉलम टैली होतो आणि इंटरेस्ट जो है तो बैलेंस येईल, क्रेडिट साइड मोठी येईल, इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड बड़ी आएगी वो है 420, वो डेबिट को लिखिए 420। बैलेंसिंग फिगर जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे या फिर उसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर, वो आई है 370। एंड कॉस्ट प्राइस का जो बैलेंस है वो कॉस्ट प्राइस का बैलेंस नहीं आया, वो दोनों साइड टैली हो चुके हैं। ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम ये जो मार्किंग सिस्टम है तो ये 20 मार्क्स के लिए आया था, उसमें से 2019 के कैलकुलेशन के लिए 12 मार्क्स थे और 2020 के कैलकुलेशन के लिए 8 मार्क्स थे, ऐसे टोटल 20 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम आया था। हा प्रॉब्लेम 20 मार्कासाठी आला होता, 12 मार्क 2019 कॅल्क्युलेशनसाठी आणि 8 मार्क 2020 कॅल्क्युलेशनसाठी हा प्रॉब्लेम आहे। ये प्रॉब्लेम है, ये कॅल्क्युलेशन्स एंड ये अकाउंट, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लेम कंप्लीट हुआ। थैंक यू।